महाभाग्यशाली संगियों, जरा विचार करो। अज्ञान से प्रारंभ कराकर पश्चाताप तक लेके जाने वाले इस क्रोध को समझो। इस क्रोध ने आज तक कितने ही घरों को उजाड़ा है, तबाही मचाई है, जलाया है। इस क्रोध को अब तो हमें छोड़ना ही चाहिए। यही वो घातकी प्रकृति है जिसने दुर्वायन जैसे रत्नत्रयधारी मुनियों को भी अपने वश में करके रत्नत्रय खोने की जोखिम को स्वीकार करके भी द्वारका नगरी को जलाने को बाध्य किया। यही वो क्रोध है जिसने मुनियों को घानी में पेलने के लिए बाध्य किया। यही वो क्रोध है जिसने किसी संवर नामक देव को तद्भो मोक्षगामी पार्श्व तीर्थंकर पर पत्थर बरसाने के लिए बाध्य किया। यही वो क्रोध है जिसने राजा श्रेणिक को धर्म से पतित करके यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप पहनाने के लिए बाध्य किया। ये क्रोध के वशीभूत होकर कितनी तबाही हुई है हमारे अनादिकाल से। और वैसे जो हम चाहते थे ऐसा तो कुछ क्रोध से परगर्व का परिणाम तो हो ही नहीं सका, क्योंकि परगर्व का परिणाम होना उसकी उत्पाद्य शक्ति के अनुसार है। हमारे क्रोध का मोहताज नहीं है परगर्व का परिणाम। खैर जो भी कुछ हो, अपनी दो आंख फोड़वाने की तैयारी से हम क्यों दूसरों की एक आंख फोड़ने के लिए तुल रहे हैं। अभी तो समझदारी को अंगीकार करना उचित है। बहुत गई थोड़ी रही, बची हुई जिंदगी हमारी अच्छे से निकले, हमारे परिणामों का फल हमें मिलता है, ऐसा जानकर हम उत्तम क्षमा को अंगीकार करें। अक्सर लोक में ऐसा होता है, जब भी कोई दो जन झगड़ रहे होते हैं, हम किसी एक को जाकर समझाए, ये भैया छोड़ो, तुम छोड़ो पीछे हटो, तो वो कहता है कि अब मेरे पीछे क्यों लगे हो, उसको भी समझाना। ये सबकी ऐसी ही कुटेव है, भैया हमें करुणा तुम्हारे प्रति हुई है इसलिए तुम्हें समझाते हैं, और ये कौन न्याय है जो उसको समझाएंगे तो तुम्हें सुख होगा, भैया तुम्हें समझाने से तुम्हें सुख होगा, ये न्याय है जैन शासन का, समझाएंगे एक को और सुख होगा दूसरे को,
ऐसे तीन काल में भी संभव है? हम तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहते क्योंकि हम तुमको अपना समझते हैं, इसलिए हम तुमको समझा रहे। नहीं साहब आप पक्षपात करते, आप उनको तो कुछ नहीं। देखो देखो हम तुमको दुखी नहीं देखना चाहते। उसको जब उसके प्रति राग उमड़ेगा वो दुखी ना हो तो उसको भी समझाया जा सकता है, लेकिन तुम्हें सुखी करने के लिए उनको समझाया नहीं जा सकता। क्योंकि जितने भी जन सुखी हुए हैं वो पराई समझ से नहीं, अपनी स्वतंत्र समझ से सुखी हुए हैं। तुम दुखी हो तुम्हारी समझ से दुखी हो, तुम्हारी ना समझी से। बहुत अच्छे से कहो, हर क्षेत्र में ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। देखो थोड़ा सा विचार करो, कल्पना करो अचानक लाइट चली गई, जैसे कल चली गई थी अचानक। वैसे आपको तो हमको नहीं करना चाहिए, कल तो मैं विकल्प कर रहा था कितना अनुकूल परिस्थिति है आपने, विषय की अनुकूल परिस्थिति। उत्तम क्षमा पर एक स्पीच डिलीवर करना, एकदम सोफिस्टिकेटेड हॉल में बैठकर, उत्तम क्षमा नहीं होगी, वो महाक्रोध है। संयम की भूमिका को ठोकर मार के हम कोई क्षमा की चर्चा करें, आपको एक अनुभव भी ज्ञात होगा। अहिंसा पर प्रवचन होना था और विरोधी उसी समय में आए और फिर कुछ विरोध प्रदर्शित करने लग गए। सब अभी अभी कहे तो हम इनको निपटा दें, किनको? प्रवचन अहिंसा पर होना है तो हम मौन रहे, इससे बढ़िया प्रवचन क्या हो सकता है अहिंसा पर? हम उनको बाहर निकालकर फिर अहिंसा का प्रवचन करना चाहते हैं, हम क्यों सुनाने की इतनी धुन में लगे हैं? कल भी थोड़ी सी मैंने बात कही थी, आज फिर से प्रैक्टिस इज, बोलो प्रैक्टिस इज बेटर देन प्रिसेप्ट। एक कहावत चलती, प्रिसेप्ट टू प्रीच, करो, करना ये कहने से उत्तम है, ऐसे कहावत चलती। मैंने थोड़ा कन्वर्ट करके बताया आपको, उत्तम क्षमा पर बाहर ऊपर परिक्रमा में जाकर देखो थोड़ा। हम धर्म के नाम पर जो नाटक करते हैं बहुत हमको भोगना पड़ेगा, बहुत भोगना पड़ेगा। सब धर्म का नाटक चलता है, सब धर्म का नाटक चलता है। इसे हम अनुष्ठान करते हैं, एक एक देखता ही रहता हूं, सोचता ही रहता हूं, पर कहने से कुछ बदलाव आने वाला नहीं है। पल भर के लिए सब ये कहेंगे हाँ हाँ, लेकिन फिर वैसे का वैसा होना है, अगेन फ्लैट। बाहर पोर्च में देखो, इतने जीव अभी भी पड़े होंगे, कल सब परिक्रमा चालू रखने, सबको परिक्रमा भी लगाने, भक्ति प्रदर्शन करना है, भगवान का मुखड़ा देखना है सबको। अभी इनको सम्यक दर्शन होने वाला है मुखड़ा देखकर, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसलिए बहुत अच्छी परंपरा थी, रात में लाइट ही नहीं चले मंदिरों में, और मैं आज भी मंगलायतनी हूं, तीन महीने करीबन, तीन चार महीने अंधेरे में ही पढ़ा था, और मेरे बहुत रुचि का विषय है। तो बच्चों का नोट्स वगैरह भी सब गौन, लेकिन जीव की उत्पत्ति में हम कुछ पढ़ाने का आग्रह नहीं रखे, नहीं रखेंगे। बहुत खदाने खोद ली है हमने, पुस्तकों की बहुत गहरी खदाने खोद ली है हमने, अभी खदाने खोदना बस हो गया। संयम किसी पुस्तक में आया हुआ शब्द नहीं है, संयम किसी के दिल में, किसी के आत्मा में उत्पन्न हुई एक परिणति है। क्या अपना प्रकरण तो यहां तक आकर खड़ा था, सब उसको समझाओ, उसको क्यों समझाए? सुखी करने का राग तुम्हें हुआ है हमको, और तुम्हें, तुम्हारे प्रति हमें अटैचमेंट है, लगाव है, इसलिए तुम्हें समझा रहे, तुम चुप हो जाओ। वो हमको थप्पड़ मार रहे, हम कैसे चुप रहे? क्योंकि तुम्हारा चुप रहना तुम्हारे लिए हितकारी है। लोक में यह बात बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती। जैसे अभी एक एग्जाम्पल देने वाला था, मान के चलो अचानक लाइट चली गई,
उत्तम मार्ग का प्रकरण चलेगा ही, उसकी भूमिका ही है। किसको तकलीफ सबसे ज्यादा होगी, किसको तकलीफ सबसे ज्यादा होगी प्रश्न है। तकलीफ सबसे ज्यादा उसको होगी, मान के चलो कि इमेजिनेशन के रूप में है, जैसे मान के चलो आपको तकलीफ हो, मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आपको क्यों तकलीफ हुई, किसी और को क्यों नहीं हुई। आपको इसलिए हुई क्योंकि आप ये समझते हो कि भाई ये तो मेरे अधीन है, मुझे तो करना चाहिए। एक आपको तकलीफ नहीं होती है मान के चलो, पब्लिक को भी जिनको तकलीफ हुई उन सबकी निगाह आपकी तरफ क्यों है, फिजूल नहीं, क्योंकि उनके भी दिमाग में एक एक कीड़ा घुस गया है, ये इनके अधीन है। दोनों दुखी है, दोनों प्रकार के जीव दुखी है, एक ये समझ रहा है मेरे माते हैं और वे समझ रहे मेरे माते हैं, वे उनकी विपरीत समझ से वे दुखी है, मेरी विपरीत समझ से मैं दुखी हूं, उनके कारण मेरा, मेरे कारण उनका दुख से कोई कोई बात नहीं। अब आपको ध्यान नहीं दे सकते क्या, ये माइक ठीक नहीं कर सकते क्या, हमको जो गुस्सा आया वो उनके बोलने से थोड़ी आया, उसके बोलने से, उसके भाव से तो वो भोग ही रहा है, तब जाकर यह बौखला रहा है आपका। और हमको जो रिएक्शन हुआ, हम क्या लोग हैं, रिएक्शन वचन के रूप में नहीं हुआ होगा, वो हमारे अज्ञान का फल हमको तत्काल मिलता है, तत्काल यह फल करो, यह भाव करो, यह फल होता है। हमारे भाव पर सापेक्ष ना हो, दूसरों के अनुसार हम भाव पलटने का प्रयास नहीं करें, हम ये नहीं सोचे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते आदि आदि, हम हमारा भूत अपना ठिकाने रखे, क्योंकि हमारे परिणामों से हमारा फल होगा। कल की फिर बात टोडरमल जी फिर कहते हैं, क्या कहा था टोडरमल जी ने, अपने भावों को बिगड़ने का भय रखना, अपने भावों को सुधारना, और एक जगह ये जो फल हो रहे उस, ये जो परिणाम हो रहे उसका क्या फल होगा। जगह जगह सचेत किया है जिन्होंने ने हमको, अब नहीं सुधरे तो हम क्या कर सकते। चर्चा के क्रम में आज उत्तम मार्गों की चर्चा चलेगी। उत्तम मार्गों ये अस्थि पक्ष है, मान कषाय का अभाव करके ये मार्ग धर्म प्रकट होता है, ऐसा कहो, अथवा मार्ग धर्म का सद्भाव करके मान कषाय का अभाव होता है, ऐसा कहो, उसमें कोई खास बात नहीं है। जिनको जो परिचित है वह ऐसे उपदेश कराया जाता है, अंधकार का अभाव होगा तो उजाला आएगा, उजाला होगा तभी तो अंधकार का अभाव होगा, ये तो कोई खास बात नहीं है इसमें, और उसकी कोई दाव पेच नहीं है। साहब आप उल्टा मत बोलो, उल्टा सुलटी प्रक्रिया करो, बोलने का आग्रह मत रखो, जैसे भी करो अपना काम करो। टोडरमल जी ने तो झगड़ा ही नहीं मोला है, इसलिए कहते साहब हम क्या विचार करेंगे, शुद्ध की अशुद्ध देखो देखो, जिससे तुम्हारा राग द्वेष घटे, ऐसा शब्दांश समृद्ध दर्शन। टोडरमल जी की परिभाषा ज्ञान में है किसी के, ऐसी परिभाषा कहीं नहीं है जिनाधर में। टोडरमल जी की अद्भुत पकड़ और पुरुष ने की प्रस्तुतिकरण की एक मजबूत शैली की दाद देनी पड़ी, उन्होंने निश्चय भाषी की कमी को पकड़ा, और फिर वो बातें तो बहुत बनाता है, कोई भी विद्वान उसके सामने टिक नहीं रहा है, सभी विद्वानों को परास्त करता जा रहा है बोलने में। टोडर मज्जे की बात कह रहे हैं उसको, हम कुछ नहीं ज्यादा समझते, हम तो इतना ही कह रहे हैं, जिस श्रद्धां से रागादि घटे वो श्रद्धां सम्यक दर्शन है, रागादि घटना जरूरी है। अपना कहकर करो, पराया कहकर करो, इट्स योर प्रॉब्लम, रागादि को घटाओ, नहीं सब राग को पराया का हवा कर राग को, अब तो अपना कहने लग गए, वहां पर राग को अपना कहा, वहां पर राग को पराया कह, कहो कुछ भी, राग देश जाना ये प्रयोजन है, अपना कहकर भी रखना प्रयोजन नहीं है। मान गर्व घमंड स्माय ईगो जिसे कहते हैं, इसके नास्तिक के रूप में ये मार्ग धर्म है। हम फिर थोड़े से भाग के पन्ने खोलते हैं,
पलियोडर में जिसे भी पूछते हैं वैसे स्वानुभूत है हम सबको, ये मान कसाई जब उत्पन्न होती है तो वो औरों को नीचे दबाना चाहता है। जरूरी नहीं है कि अन्य का पक्ष झूठा हो, जरूरी है हमें मान कसाई हो, बस इतनी सी जरूरत है। तो फिर सामने वाला सच झूठ की कोई बात नहीं रहती इसमें, ठीक है ना। और हमारे भी असत्य पक्ष और मान कसाई हावी हो गई तो ऊपर उठने को देखेगा, उसमें बात नहीं है कि हमारे निर्दोष ना हो। और फिर यही चिल्लाएगा मान, क्या सत्य को कोई पूछ नहीं है, ये झूठ की ध्वनि में बात कर रहा है, ठीक है। मान में स्वयं मान में दूसरों के दोष दिखाई देते हैं और ज्ञान होने पर हमें अपने दोष दिखाई देते हैं, इसलिए मान ये बहिर्लक्षी परिणाम है, ज्ञान ये अंतर्मुखी परिणाम है। देखो औरों को नीचे दिखाने का भाव पता है टोडर में जी के, और फिर यहां तक लिखा है उसके लिए पूरा मिटा सकता है अपने को, लोगों को लगे कितना दिल वाला है, कितना उदार चित्त वाला। अपने मान कसाई को सुरक्षित रखने के लिए इमेज प्रेस्टीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जिसको कहते हैं, सालों तक लोगों को पता नहीं चलने देंगे क्या कहेंगे लोग, बोलो पूरी करो बात को, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा लोग। केवल इसके पीछे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका हैम्पर नहीं होना चाहिए, वैसे रहना उठना बैठना ये सब मान कसाई की। अब उन्होंने फिर बुक कराया, हम कैसे मना कर सकते, अरे तुमको कहना चाहिए था ना हमारे औकात नहीं है, ऐसी की हमारे औकात नहीं, तुमको बोलना चाहिए, कैसे बोले भाई कैसे बोले ऐसा, और बात पैसे की नहीं है, तुमको बोलना चाहिए था ना हमारी प्रतिज्ञा है, कैसे बोले बड़ों के सामने जब बैंक खाते हैं, हम कैसे मना करें, धर्म धर्म को भी ठोकर मार रहे तो थोड़ी सी ईगो के पीछे, फिर वे क्या सोचेंगे वे क्या कहेंगे, वे बड़े हैं ना, बड़प्पन तुम्हें चाहिए है, उनके बड़ेपन की बात मत करो। टोडर मंजी कहते हैं कितना श्रृंगार आदि करता, कितना धन खर्च करता है मान कसाई के बने रहने के लिए। भागों की तरफ चलो, मान कसाई क्यों उत्पन्न होती है, सिंपल क्वेश्चन, मान वैसे एक क्वेश्चन है बेसिकली, कसाई क्यों उत्पन्न होती है, कल का प्रश्न है रिपीट, वहां पर मोह के उदय से लिखा है। तो अभी आज टाइम नहीं है अपने पास, कभी गहरी सूक्ष्म विचार से इन भागों को सबको पढ़ना चाहिए। कसाई क्यों उत्पन्न होती है वहां पर चालू किया है मोह के उदय से, और कसाई कैसे मिटेगी वहां पर कहते तत्व ज्ञान के होने से, होना यह चाहिए था कसाई कैसे उत्पन्न होती है तत्व ज्ञान के नहीं होने से। तो गलत है कि गलत की बात नहीं है, एक निमित्त की निमित्त प्रधान कथन, एक उपादान प्रधान कथन, और जब हमारे हाथ में बागडोर रखनी है हमको, हमको हमारी किसी की भी कठपुतली नहीं बनना चाहते हम, भगवान की भी नहीं कर्म की भी नहीं, तो मोह के उदय को क्यों फिजूल कुसलाते। तो पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति के प्रकरण में सभी पूरे सूत्र हम अपने हाथ में रखना चाहते हैं, मैनेज द आर्किटेक्चर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, तू मरेगा तो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तू जिएगा योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब करेगा तू ही, तेरी अपनी बात है। मोह के उदय से कसाई उत्पन्न होती है क्या बात है, थोपा थोपी का राज तो चलता ही है। तत्वज्ञान के न होने से जब इष्टानिष्ट कल्पना होती है कसाई उत्पन्न होती है, बेसिक परिभाषा है। और फिर मिटेगी कैसे, तत्वज्ञान करो, ज्ञान सर्व समाधान कारक है, ज्ञान का फल प्रत्याख्यान है, जब जागो तब सवेरा। मान कसाई कैसे उत्पन्न होती है एक स्पेशली अलग से परिभाषा है भाग में, अब उसको याद करो, बताओ मुझे, बोलिए कोई कोई नो नो, भाग के शब्द, क्रोध कैसे उत्पन्न होता है भाग की परिभाषा, नहीं नहीं वो कॉमन कसाई के लिए बात रखी है, टोडरमल जी की टोन है,
लेकिन फिर क्रोध की भी बात करी है। क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी को ऐसा लगता है कि पर मेरा बुरा करता है। मान कैसे उत्पन्न होता है? जब पर ग्रह में स्वामित्व संबंध होता है तो मान कैसे उत्पन्न होती है? याद आ रहा है किसी को? फिर बात देखने में कोई हर्जा नहीं है। तो क्या ये क्या कारण है मान कैसे का? पर द्रव्य पर स्वामित्व स्थापित करना, अपना अधिकारी होना, ये मान कैसे का मूल कारण है। वैसे थोड़ा मैं बेसिक बताऊं, चार दिन में जो आगामी दो दिन में और आज कल में जो चर्चा चली दो दिन में और आगामी दो दिन में, इसके चार दिन का मैं कुछ प्लेटफॉर्म बना रहा हूं, दस दिन का भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं है। एक वहां पर और एक बात है कषाय नामक पाठ में, एक मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जी, बोलो घोर पाप, अंडरलाइन द वर्ड घोर, क्योंकि पाप तो चौथे पुण्य स्थान में भी चलेंगे, पांचों चलेंगे, पांचों और अभी कोई लगाम नहीं है, अदरवाइज नहीं लेना। पांच पापों पर कोई लगाम नहीं है चौथे गुणस्थान में, पांचों गुणस्थान में थोड़ी लगाम आई है और छठे सातों में पूरी लगाम हाथ में आई है, ठीक है। लेकिन घोड़े अभी भी उद्यत हैं बाहर दौड़ने को, वे कभी भी लगाम को खींचकर निकल सकते हैं, फिर बैक पहले में आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। घोर पाप मिथ्यात्व में होता है, सम्यक तो होने पर पाप तो पांचों होते हैं लेकिन घोर पाप नहीं होता। अभी घोर क्या है मुझे तो अभी इतना सही बताना है कि आपको क्रोध मान माए लोग इस मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव घोर पाप करता है, ये पाप नामक पाठ में पड़ा होगा और कषाय नामक पाठ में भी एक चीज पड़ी होगी। मिथ्यात्व ही सबसे बड़ी कषाय है, मिथ्यात्व के वशीभूत होकर ही जीव कषाय करता है। दोनों ने मिथ्यात्व को हीरो बनाया है, हीरो मतलब विलेन। टोडर मंजी की बात को फिर याद करने लाए थे आज, एक मंगलाचरण के रूप में एक दिव्य ध्वनि की जैसी उनके स्टेटमेंट्स है, सप्त व्यसनाधिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया है। जैन धर्म में तो ये परिपाटी है, बोलो पहले बड़े पाप को छुड़ा सकता। जिन जीवों को बोलो आगे अपनी आत्माओं को भव सागर में नहीं डुबोना हो उन जीवों को मिथ्यात्व छोड़ना योग्य है। आगे बोलो निंदा प्रशंसा किसी भी रूप शिथिल होना योग्य नहीं है। फिर एक छंद उद्धृत के नहीं की वाक्य का आपको ज्ञान होगा, न्याय से कभी मैं मेरा पैर डिगने पाए का आशय वाला एक छंद डाल दिया। किसी भी कीमत पर ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण चल रहा है ना, वहां पर सबका बेस मिथ्यात्व है। आपको उत्तम क्षमा मार्दव अर्धव अधि पूरा जीवन में प्रकट करना है तो दस जगह घाव नहीं मारने हैं आपको, आपको मिथ्यात्व का उन्मूलन करना है। मिथ्यात्व अर्थात विपरीत मान्यता, विपरीत मान्यता अर्थात इष्टानिष्ट कल्पना पड़ता है, बस उतनी सी बात है। इष्टानिष्ट कल्पना ये अच्छा ये बुरा, लाइक एंड डिसलाइक में उलझी हुई बहिर्लक्षी परिणति, दैट इज मिथ्यात्व, ठीक है। अब मिथ्यात्व की अपन कल्पना करें, ये चार मंत्री है क्रोध मान माहे लोग, और आप जानते हैं कि मंत्री जैसा फीड करेगा राजा को, चांडाल चौकड़ी कहते हैं, चांडाल चौकड़ी, तो उनके अपने कान थोड़ी है स्वतंत्र, जैसा फीड करेगा मंत्री आकर, जैसा फीड करेगा। श्री वर्मा को देखते देखते डायवर्ट किया इन्होंने, चारों की कितनी ताकत हुई, एक तरफ 700 मुनि और एक तरफ चार मंत्री है, चार मंत्री की जीत हुई है। कारण उसका एक है, अनादि का संस्कार भी आपने जोर मारा ना, उपादान, उपादान तो बलवान चीज है ना, ये भी निमित्त है 700 और ये चार भी निमित्त है, लेकिन ये प्रेरक निमित्त हो गया अभी। अब भाषा समझ रहे कुछ, प्रेरक और उदासीन निमित्त, ऐसे दो प्रकार के निमित्त कहे हैं, कायदे से तो सब उदासीन होते हैं, वो अध्यात्म की बात नहीं चल रही यहां पर। मंत्री जैसा भीड़ करेगा राजा को, ठीक है, देखो देखो
ये एकदम लॉजिकल बात मैं बता रहा हूं आपको, आपको कैसे फील कराना है। या देखो जैसे जैसे मैं कैसे बताऊं आपको, भारी पड़ रहा है बताने। देखो मैं यहां पर नया आया, आप कितने ही जन मुझे जानते नहीं, किसी ने आपने इनको ऐसा कहा, आप जानते हैं इनके बारे में, इनको चोरी करने की आदत है, इन्होंने आपको ऐसा ही कहा, जानते हैं इनको, इनको चोरी करने की आदत है। बस अभी इनकी स्वतंत्र दृष्टि नहीं हो सकती मुझे देखने की, वे जब भी आएंगे मेरे कमरे में, मेरे अगल में, बगल में, भैया सामान को बचा कर रखो, स्वतंत्र दृष्टि से ये देख ही नहीं सकते उसको। ये मीडिया क्या काम करता है, ये मीडिया ने जैसा फीड किया वैसे खत्म, हमारी नई सोच नहीं होती कभी इसी दृष्टि में। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, ये जैसा फीड करते हैं कच्चे कान वालों को, ये चार मंत्री है जो क्रोध ने फीड किया, जब फीड किया सम्यक ज्ञान का, सम्यक ज्ञान की उपस्थिति नहीं थी तो इसका पूरा अपना राज चल पाया। यदि सम्यक ज्ञान की उपस्थिति होती तो सम्यक ज्ञान हावी होता वहां पर, वो मिसगाइड करता है, क्रोध मिसगाइड करता है। जैसे मान कि कैसे मिसगाइड कर सकता है, देखो वो सामने से आ रहे थे, जेज ने भी नहीं किया आज तुमको, और दिन भर तुमको चुबाता रहेगा, चुबाता रहेगा। अरे तुम एक विद्वान हो, आखिर माना, सब साधन माना, सब एक तरीके माना, लेकिन तुम आज विद्वान हो, तुम्हारी क्या रखेंगे। ये मान कैसे बराबर हमको डाइवर्ट करने का बराबर प्रयास करती है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रामायण के प्रसंग में, रामायण के प्रसंग में जैनेतरों के रामायण के प्रसंग में जिस प्रकार लक्ष्मण को डाइवर्ट करने का प्रयास किया था, और जैन रामायण के हिसाब से राम को डाइवर्ट करने का प्रयास किया था, अभी नहीं समझे अभी बताओ। जैनेतरों के रामायण में तो यह है तो स्वर्ण मृग बन के आए थे, बहुरूपी थे रावण, आप जानते होंगे मायावी थे कहते हैं, तो स्वर्ण मृग बन के आए, सीता ने कहा ये मुझे चाहिए, क्षत्रिय वंश के ये शिकार करते हैं, ऐसी उनकी हिस्ट्री। राम गो फॉलो, पत्नी क्या क्या है, ऐसे तो हुकुमदारी तो चलती ही है सब ऐसी। अब राम बाण लेके पीछे, बाण लेके पीछे, फिर लक्ष्मण को कहा वो जाना, लक्ष्मण को एक काम करो, प्रदूषण की वजह से लड़ाई चल रही वहां पर, तो राम को वहां से बुलवाया जाए, तो एक आवाज निकाल कर फिर राम को बुलवाया जाए, लक्ष्मण को जो भी है ठीक है। राम तो पहले निकल गए, लक्ष्मण पीछे रह गए उनके रामायण में, अपने रामायण में ऐसा नहीं है, और वो भी नहीं सकते शिव की मर्यादा के हिसाब से, अपने यहां तो राम बने रहे, लक्ष्मण निकल गए, और फिर किसी लक्ष्मण लड़ने के लिए चले गए, और फिर राम को उन्होंने पुकारा। खैर कुछ भी हुई वो घटना, अब आओ यहां पर मुझे तो कहना यह है, रावण का मूल टारगेट है, यदि हमको सीता को उठाना है यहां से तो मामला साफ यदि करना है तो इनको डाइवर्ट करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इनको यहां से डाइवर्ट करेंगे हमारा मैदान साफ हो जाएगा। यह आत्मा को क्रोध मान माए लोग, ये चार मंत्री है मिथ्यात्व के, ये बराबर एक ही लक्ष्य है इनका, टू डाइवर्ट। वो डाइवर्जन का कुछ एंगल अलग हो सकता है सबका, उनकी सुनने की क्या आवश्यकता है तुमको, बजाओ इट को इट, क्या होगा देखा जाएगा, और फिर ऐसे तो माथे पर चढ़ जाएंगे, आज साफ कर दो मामले। क्रोध उस रूप से बहका सकता है, मान सेल्फ रिस्पेक्ट कह कहकर बहका सकता है, पोलाइट वर्ड्स में, पोलाइट वर्ड्स में, आप समझ रहे हैं, अरे आत्मसम्मान, आत्मसम्मान के नाम पर, स्वाभिमान के नाम पर रावण के माथे पर बैठा है छात्र, कौन ये मान कशा है। इसलिए रावण का अंतिम समय में, मरण के समय में डायलॉग है, आप लोगों ने पद्म पुराण पढ़ा होगा, क्या है, मौत दिख रही है उसको अभी सामने,
अब जैसे ही चक्र फेंको और लौट के जैसे आया वो चक्र, दूसरों के ऊपर फेंके गए हथियार, क्रोध रूपी हथियार, वो दूसरों को तो तबाह कर पाए न कर पाए, वो अपने को तो तबाह करेगा भूल। अभी चक्र जैसे घूम के आया, रावण को फ्लैशबैक हो गए। महापुरुष है, कोई साधारण आदमी नहीं है, सम्यक दृष्टि है पक्का, खूब भक्ति भाव करता था मुनियों की आदि आदि सब जानते थे ये बात, सब शील में प्रवीण, सब सब सब। उसको समझने में देर नहीं लगी, ये पलट के आ रहा है, ये मुझे नाश करेगा। अथो लक्ष्मण के हाथ में चला गया तो लक्ष्मण को मार नहीं सका ये, तो उसको पता चल गया नारायण है, प्रतिनारायण है, और सबकी मौत ऐसी ही होती है। नौ के नौ प्रतिनारायण यहां से चक्र छोड़ते हैं, उन नारायण को परिक्रमा करके नारायण के हाथ में आ जाते हैं, फिर नारायण पलटकर उसी से खत्म करता है, फिर उसी चक्र का वो अधिपति बन जाता है। तो चक्र फिर उसकी गुलामी करने लगता है, सब पार्टी बदलने वाले हैं, सब पार्टी बदलने वाले हैं, कर्म के हिसाब से सबका रुख बदलता जाता है। तेरा चक्र और मेरा चक्र किसी के बाप का नहीं है। अब देखो वो जाकर लक्ष्मण के हाथ में रुक गया चक्र, उसको मौत स्पष्ट ही दिखने लग गई, स्पष्ट ही ख्याल में आ गई हमारा नहीं इससे, क्योंकि ये इतना बड़ा चक्र है। फिर लक्ष्मण ने फिर एक वार्निंग दी थी, अंतिम वार्निंग, ये कहकर कि सरेंडर। तो रावण ने एक बात कही, ऐसे अपमानित जीवन जीने की अपेक्षा मान, ऐसे तो हम सम्मानित मरण करना चाहेंगे, मान। वो तो ये भी सोच सकता था कि बीतीता ही विसारी के, अभी प्रेजेंट की तो जो हुआ सो हो ही गया, अभी भी सुलझने में, अंत भला सो सब भला, ऐसा तो दुनिया बोलती है, तेरे को क्या बिगड़ रहा है, कोई नहीं याद करता पिछली बातों को, तो थोड़ा कर दो। नहीं ना, मेरा टिकट कट गया है ना, गति अनुसार मुझे गति करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी मतलब कोई बात ही नहीं होता, कर्म की मैं थोपा थोपी की बात नहीं कर रहा हूं, मान कसाई की बात है। ये तो सबका कॉमन समझ लेना, ये हमको डाइवर्ट करती है, और इनकी ध्वनि में इनके स्वर में जो जो भी जीव आता है और अनुकूल अनुरूप करने लगता है। रात दिन कई कई ने देखा था अपनी जिठानियों को, अपनी देवरानियों को ऐसी भाषा करेंगे ना, मैं ज्यादा नहीं लाते इसलिए समझता, कोई खास बात नहीं है, लेकिन एक साधारण मंत्रण ने डाइवर्ट कर दिया, साधारण काम वाली ने आकर डाइवर्ट कर दिया। अभी घर घर के टुकड़े कैसे नहीं होंगे, तुम्हें सबों पर विश्वास तुम्हें नहीं है, ये तुम्हारी भूल है ना, सब उन्होंने कुछ नहीं किया, तुम पहले से ही कमजोर है, उस कमजोरी का उन्होंने लाभ उठाया है, उसको अनुकूल सहयोग, उसको निमित्त कहते जैन शासन, लाभ उठाए बस कमजोर देखकर। और तुम सालों बीत गए तुमको देखकर, सबको, राम को भी देख रही है, कौशल्या को, सबको देख रही है, जरा सी चिंगारी। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा डायवर्जन की बात कर रहा हूं, डायवर्जन, हम रात दिन शास्त्र पढ़ते हैं, रात दिन, ठीक है, मुझे तो कम से कम 14 साल हो गए अध्ययन करते करते, और ये फिर हल्के होता है आपका, ये कौन कई कई ने रात दिन देखा है उनको, घर वालों को, उसको तो कोई काम नहीं था दूसरों की बातों में आने का, हमने सालों पढ़ी है जनवानी, लेकिन फिर भी आए इन टाइम वो साधारण मंत्रा की बातों में आकर, मंत्रा मतलब इस प्रकरण में बोलो साधारण मान कसाई की बातों में आकर, सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर, फिर मेरा नाम लिखा नहीं, क्या बात है महाराज, 108 वाले महाराज की बात कर रहा हूं, महाराज प्रशस्ति में आपका नाम नहीं लिखा है, क्या बात करता है, ऐसी आंखें बड़ी बड़ी, ये प्रतिष्ठित कराएंगे भगवान को, क्या बात करता है, ऐसी बात करता है। बड़ी समस्या, बड़ी समस्या।
आपके नाम के बना रहे, ये क्या उचित है ग्रंथ की? हमने कब कहा चलो, हमने किसी को नहीं कहा, ठीक है, हम कह रहे हैं आपका नाम लेकर के आपने मिटाने को कहा, आगे नहीं बढ़ा। सहजता है, हमारी सहजता है, मान कषाय, मान कषाय क्या? अभी भी कोई भाषा देखी जब परद्रव्य में स्वामित्व तो होता है और स्वामित्व तो करने को बाध्य करती है, ये मान कषाय। ज्ञान होता है तो समझाता है, जय जिन्हें नहीं करी, अरे वो अपने अपने तत्व विचार में होंगे, अच्छा है, और तुम्हें बहुत लग रहा हो तो तुम्हारे विकल्प आए तो तुम शांत कर लो जय जिन्हें कहकर। ये सम्यक ज्ञान की भाषा है। हम गिर गए फिर भी उठाने नहीं आए, कैसे रहे ये लोग, ये मान बुलाता है। मार्दव्य काल में आकर कहता है, सम्यक ज्ञान कहता है, बाबा तुम्हें कैसे उठाएंगे, तुम्हारा उदय तुम्हारे साथ है, तुम्हारे उदय के साथ वे नहीं है। ये कान में मंत्र देने वाला सम्यक ज्ञान मौजूद चाहिए हर जगह। कोई भी सहयोग हमको मिला, ये मान कषाय सहयोग को लेकर होता है, सहयोग की प्राप्ति का भाव इसको होता है। इसका जीवन नेचुरल लाइफ, नॉर्मल लाइफ इसका बदल कर ये परोपजीवी हो जाता है। क्या कहा मैंने? परोपजीवी। परोपजीवी आप समझते हैं, ये बायोलॉजिकल वर्ड है परोपजीवी, इसको हिटरोट्रॉफ कहते हैं। अब बच्चे हैं नहीं, उनको बच्चों को पढ़ाने की आदत है और धड़ाधड़ चुस्त रहते, चुस्त, हमारी सभा जैसी कहीं सभा नहीं है। हिटरोट्रॉफ जो ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल जो वनस्पति अपना भोजन नहीं बना सकती उसको परोपजीवी कहते हैं। पैरासाइट इज तो दैट इज, हाँ पैरासाइट भी यू कैन कॉल पैरासाइट ऑल्सो, परजीवी है, परजीवी है होगा। मुझे हिंदी वर्ड्स तो मुझे पता नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे, कभी किसी दिल से ना होगा। चलो, ऐसा कुछ जीवन ये मान कषाय का होता है। अपनी सत्ता ये संयोग से ही आखता है। मैं हमेशा एक बात इसलिए कहता हूं, चमड़ी से, चमड़ी के तथा दमड़ी के दम पर दूसरों को रिझाने का, आकर्षित करने का भाव अपराध है। चमड़ी से क्यों कहा? वन इज फॉर लेडीज, एक बहनों के लिए। चमड़ी से किसी को आकर्षित करने का भाव अपराध है। दमड़ी से तो दोनों तरफ लागू, दोनों तरफ लागू हो सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं। दमड़ी से पैसे के बल पर किसी को अपने अधीन करने का भाव, और जिसके बल पर यह अधीन करने के सोच रहा है, वेश्यासम बोलो लक्ष्मी अति चंचलिया का कौन पति आ रहा, इसको इसने अभी देखी नहीं है, इसको दिखाओ। भूदरदास जी ने बहुत अच्छा छंद दिया, काहू के घर पुत्र आयो, काहू के घर पुत्र जाए, काहू के वियोग आयो, काहू राग रंग, काहू रोवा रोई परी है। अर्थ समझाने की आवश्यकता नहीं, वेल डन गुड डन, तो स्पीडीली अपन चलेंगे। आप समझ रहे हैं अर्थ? भूदरदास जी क्या बोल रहे हैं, किसी के घर पुत्र का जन्म हो, किसी के घर मरण हो जाए, कहो कि घर राग रंग चल रहा है, डीजे वीजे चल रहा है, और दूसरे घर वैसे डीजे चल रहा है। रोवा रोई परी है, जहा भानु उगत उछाह गीत गान देखे, समझे? जहां पर सूर्य के उदय के काल में जिस घर में उत्साह 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 देखने में आया था, ताही थान सांझ समय हाय हाय परी है, ऐसी जग रीति को ना देखी भयभीत होय, नर मुण तेरी मति कोने हरी है, मानुष जन्म पाए। बहुत अच्छा है वैराग्य शतक, कभी पढ़ना चाहिए इसको, जैन शतक। सुबह ये ड्रामा, घंटों में ये ड्रामा, किस ड्रामा पर उछलना है,
जिनसेन ने दीक्षा ली थी, जानते आप जिनसेन आचार्य? उसने पूछा, माँ ये क्या हुआ? बेटा मत पूछो क्या हुआ माँ, वो भाई जो कल जन्मा था ना आज मर गया है। तो क्या मेरा भी मरण होगा? चुप, ऐसे नहीं बोलते बाबू। हम लोगों ने भरसक प्रयास किया है सत्य को छिपाने का, सत्य का सामना करने में वचनों में भी हमको ताकत नहीं है, मरण की चर्चा भी हम नहीं करना चाहते। शादी ब्याह में मरने की चर्चा नहीं कर सकते, अशुभ मानते हैं उसको। और आप जानते हैं सामुद्रिक शास्त्र में डेड बॉडी को देखना शुभ शगुन माना है। तुम अपनी मति को चेक करो, अब समझे ये जो सब वैराग्य के निमित्त थे वो अशुभ शगुन कहां से हो गए? जिसको देखकर वैराग्य उत्पन्न हो सकता है, होता है, वे सब शुभ शगुन है। बल्कि मैं तो ये विचारधारा है मेरी अपनी कि शादी के पहले यही चर्चा करना चाहिए, लड़की से कहना चाहिए बेटा तुम शादी कर रही है, नेक्स्ट डे भी तुम्हारा वैधव्य हो सकता है, होप फॉर द बेस्ट, बात को पूरी करो, होप फॉर द बेस्ट, बात को पूरी करो, बट गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हम कव्य की तरह थोड़ी कोस रहे, हमारे कोसने से थोड़ी ना कुछ होने वाला है। गेट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द कंडीशंस। भ्रम में जीना अच्छी बात नहीं है, आंखें खोल कर जियो, लिव इन रियलिटी, लिव इन रियलिटी। ऐसे आंख बंद करके कबूतर जानते है? कबूतर, बिल्ली जानते हैं? मैंने क्यों कहा ये जोड़ा? कबूतर के सामने जब भी बिल्ली आती है, बिल्ली के सामने कबूतर के आने का तो सवाल ही नहीं है। कबूतर के सामने जब भी बिल्ली आती है कबूतर कुछ नहीं करता, बस आंख मिच लेता है। आंख मिचने से तो हल नहीं होता समस्याओं का, समस्याओं का कुछ भी हल नहीं हुआ, हल नहीं हुआ। हमारी दृष्टि, बात तुम्हारी दृष्टि की है वो, और उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। कोई कबूतर को भी मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, मुझे कहना, मुझे यह कहना है वो बिल्ली आकर खा जाती है उसको, उसको ताकत नहीं है। अरे तुम्हारे पंखों में दम थी उड़ने की, तुम कैसे कायर हो गए? और मौत की चर्चा ऐसी गौण करके, प्रतिकूलताओं की चर्चा गौण करके, कमाने के पहले कभी भी यू शुड थिंक ऑफ द अनसर्टन मिसहैप्स इन योर लाइफ। अब कमाने के पहले विचारना चाहिए चोरी हो सकती है। ये लोक में इसको निगेटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी भाषा बोली, क्या कहा? लोक में निगेटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं, वो लोग गुमराह करते हैं हमको, उनकी बातों में मत आओ। प्रॉपर एनालिसिस आपको करना है, एनालिसिस समझे, प्रॉपर स्टडी आपको करना है। सभी प्रसंगों को आमने सामने रखना चाहिए, अपने कितने प्रसंगों में हार हुई है, कितने में जीत, हमने समय रखे बिना कैसे समीक्षा होगी उसकी? समझ में आया? हम सुबह उठकर 10 कामों की लिस्ट बनाते हैं, 3 काम होते हैं उसके, और हमारा कर्तृत्व डोलने लगता है माथे पर। हम ये विचार नहीं करते हम कर्तृत्व के साथ क्यों नहीं हुए, वो जल एनालिसिस करना चाहिए था ना। क्या कहां तक आया अपन? कुछ कह रहा था, हाँ जिनसेन स्वामी की बात चलते। तो क्या मेरा भी मरण होगा? संयोगों के आश्रित जो अपनी सत्ता मानते, स्वामी तो मानते, उनको मान कशा होगा हावी। फिर कभी आप अप में जाएंगे, कभी डाउन में जाएंगे। ओ लड़का पैदा होने के काल में जिसने जितनी खुशी मनाई होगी, समझ रहा है? समझ में आ रहा है? शादी के काल में जो जितना जश्न मनाता है, तलाक के काल में उसको देखो उसकी दशा, बर्थडे के टाइम में जो जितनी खुशी मनाता है, उसके मरण काल की देखो दशा। समझ में आता है? संयोग के काल में जितनी सुखी मना सुख मनाता है, वियोग के काल में उतना ही दुख होना अनिवार्य रूल है, रूल, न्यूटन का रूल है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी आशा जहां होगी उसके अन्यथा होने से उतनी ही निराशा वहां से होती है। शायद इसीलिए, शायद इसीलिए पड़ोसी का लड़का भी नालायक हो गया,
और हमारा लड़का थोड़ा नालायक हो गया, हमको ज्यादा तकलीफ हमारे लड़के की इसीलिए है क्योंकि उससे ज्यादा उम्मीद है हमको, उसको अपना माना है हमने, समझना है। हमारी बहू 5 घंटा सेवा करती है यहाँ पर, और बगल वाले पड़ोसन ने इतना ही कहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, मैं हाथ पैर दबा दू, कैसा लगता है, बहू भी फीकी दिखती है, बहू भी फीकी दिखती है। सिंपल लॉजिक है इसके, जिनके प्रति कुछ भी अपेक्षा नहीं है, मैं कहता हूं बहू के प्रति भी ऐसा रहो तो आपको कितना आनंद आएगा, हम पहले से ही कहते थे आपको कोई नहीं है, आप मानते नहीं है, अब बहू को भी पड़ोसी के रूप में देखो कितना आनंद आएगा। जहां पर जितना इन्वेस्ट किया अपने, इतना सेट किया 8 घंटे का 8 घंटे उसको सेवा करना चाहिए, 1 मिनट भी कम आएगा तो ठीक नहीं होगा रिस्पॉन्स। आपने सेट किया 0 और 2 आया तो बहुत बड़ी बात है, वहां से बहुत बड़ी बात है, खुश। हमारी अपेक्षा के अनुसार है बात, सामने वाले के प्रवृत्ति के अनुसार कुछ नहीं है ये बात, जितनी इच्छाएं घटी उतना जीव सुखी हुआ। और अपने बच्चों को भी अपने को यही सिखाना चाहिए, मैं तो वहां पर विद्यार्थियों को भी ये बताता हूं, पर द्रव्य से किसी को प्रभावित करने का भाव नहीं रखना। मेरी क्लास में घड़ी की पहनने की भी मैंने मना करी है बच्चों को, घड़ी अंगूठी हाथ में फालतू काम नहीं करना। और मैंने तो मेरी लड़की को बचपन से, बेटा इरेजर वही परचेस करना जो दूसरों का आकर्षित ना करे, वो तुम्हारे इरेजर से यदि दूसरा कोई आकर्षित होगा वो उसके जाएगा माथा खाएगा अपने पापा का, और फिर पापा उसका पापा क्या क्या करेगा, फिर न्याय से अन्याय से, आज इरेजर की बात है, तुम सोने की अंगूठी पहनो तो उनको भी लगेगा। किसी के राग में हम निमित्त मत बनो, और किसी के राग में हम निमित्त मत बनो, और आगे बोलो, और बोलो ना, बनो बोलो, आगे बोलो ना, बनाओ ना, प्रभावित हो ना प्रभावित करो। अच्छे कपड़े पहनकर किसी को प्रभावित करने का प्रयास मत करो, करोगे बोलो तो क्या क्या आपत्ति है उसमें, सब जगह आग मत फैलाओ, और फिर तुम भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगे। अरे मेरे शीशे, याद है कुछ, याद आ रहा है, अरे मेरे शीशे, कौन है इस विश्व में सबसे सुंदर, नहीं याद आ रहा है। या हम थे स्कूल लाइफ में, हम होंगे थर्ड फोर्थ की, तो बहुत फिल्म चली थी, मुझे गिफ्ट भी मिली थी पुस्तक, आपको भी याद होगा सिंड्रेला है, नहीं जानता सिंड्रेला, एक स्टोरी थी, स्टोरी एक बहुत सुंदर थी, कोई वो रोज आकर दर्पण में पूछती थी, हे मेरे शिष्य कौन है इस विश्व में सबसे सुंदर, वो दर्पण कहता था आप खुश। और एक दिन ऐसा झटका लगा कि कोई और सिंड्रेला, जन्म हुआ होगा किसी का तो सबसे सुंदर है, आग लगने लगी और मानी की तो हालत यही होनी, यही हालत होगी, फिर थोड़ा भी ख्याल में आए 10 लाख लगा रहे, 20 लाख लगा रहे। धर्म के क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कृतम पापम, और अरे बोली का जो प्रचलन है सहज भाव से तो कुछ नहीं आया, हालत ये है आज, हालत ये है। मैंने तो आपको देख के कह रहा हूं, आपको तो परिचित भी नहीं, कोई समझ कुछ नहीं है। आज दिक्कत ये है 70% भी उसका रिक्विटल नहीं है, आपने बोली बोली 70% भी बोलियां नहीं आ रही, पैसे नहीं आ रहे, फिर ये कह कहकर आपको ऐसा होगा वैसा होगा, भगवान के पैसे आप नहीं दे रहे, निर्माण ले रहे, ये है वो है, क्या है ये भाई, मतलब बेचारों को मजबूरों को नाम ले लेकर, और फिर महाराज जी बैठे गद्दी पर, महाराज जी बैठे गद्दी पर, लोग कर्जे ले लेकर दे रहे, और फिर 5 का 10 मिलेगा इस भाव में ना से पर भाव में मिलता है, अपनी अपनी करने का फल। और आज तो कंगन हो गए ये, और फिर ये कह कहकर धर्म के क्षेत्र में, अरे तुमको चाहिए था साधर्मी पर संकट है,
मंदिरों का पैसा निकालकर तुम उनको लगा लेते, क्या बेवकूफी। और आदमी नहीं रहेगा धर्म कौन करेगा तुम्हारा? न धर्मो, बोलो न धर्मो, धर्मी के लिए, धर्म के लिए आदमी चाहिए। बहुत अच्छा स्पीच है मेरे पास आकर 60-70 साल पहले का, अरे दिल्ली के भाइयों, दिल्ली में हुआ स्पीच है। ये मंदिरों में लगे हुए छत्र चमर निकालो, इनको गरीब जैनियों को दो, उसके बदले उनसे न्याय नीति से आजीविका करने का आश्वासन लो। ए जैनियों, है ऐसा वस्तु स्वरूप है, फैक्ट है। सब जगह कहते हो कितने बकवासबाजी चालू किया। अभी ठीक है आप लोगों ने सजा, मैं ज्यादा उलझना नहीं चाहता, लेकिन यह हमारी कमी कमजोरी है कि हम मंदिर को सजाना चाहते हैं सबसे समृद्ध और सजे हुए भगवान। ठीक है अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों को भी एक फील गुड फैक्टर है, ठीक है, मैं उलझना नहीं चाहता उसमें ज्यादा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चलते दौर में ठीक है, मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे तो इतना ही कहना है मंदिर में भगवान से ध्यान आकर डाइवर्ट करे जो गाढ़ांतराय है, गाढ़ांतराय, और इस लक्ष्य से आना भी नहीं चाहिए यहां पर। या ऐसा कोई आयतन नहीं है, यहां पर ऐसे कपड़े पहनकर आए जिससे चार लोगों को आकर्षित करे तुम। महाघात पाप किया है, पैसा बंद किया होगा क्या मानो, ज्ञानावरण दर्शनावरण और तो और दर्शन में होगा। जिनवानी से लक्ष्य हटाकर थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, भगवान से लक्ष्य हटाकर थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, भगवान से बढ़ चढ़कर किसी भी सहयोगी वस्तु से और टाइम आप इंपॉर्टेंट बात कुछ। इसलिए हम स्वयं को संस्कारित करें, सबको भी इसी रूप में संस्कारित करें कि उदयाधीन सब सामग्री है, आना ये जाना सापेक्ष ही है, जाना ये आना सापेक्ष ही है, ठीक है। कोई भी संयोग है, संयोग ये शब्द ही वियोग सापेक्ष है, ज्ञान शब्द ही बोलो अज्ञान, ज्ञेय शब्द ही बोलो ज्ञेय शब्द ही ज्ञान सापेक्ष है। अब कोई वस्तु जो ज्ञान का ज्ञेय नहीं बने बाबा, उसको ज्ञेय बोला इसलिए है, इसलिए भी मैं कहता हूं हमारे बच्चों को, आजकल बहुत एक ऐसा जनरेशन चला है पुरुषार्थ की बहुत खुमारी चढ़ती है, चढ़ती है मतलब क्या कहना है मुझे, हम उन कवियों की बहुत गीत गाते हैं जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ पर कुछ रचनाएं की है। फॉर एग्जाम्पल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, एटसेट्रा एटसेट्रा, सैकड़ों है ऐसे। अब इंग्लिश खासतौर पर इंग्लिश साहित्य जो पढ़ेगा, The woods are lonely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. इंग्लिश में जितना भी मैटर है वो पुरुषार्थ प्रधान चलता है। आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंग्लिश साहित्य इसलिए कमजोर और डिसेबल है, धर्म की दृष्टि बात कर रहा हूं मैं, इसको निगेटिव थिंकिंग कहते हैं लोक में, पूरे पुरुषार्थ पर कथन चलता है। आप लात मारोगे तो पानी निकल आएगा, झुकती है दुनिया, बोलो सब सब ऐसी टोन के पढ़ते हैं, और जो मोटिवेशनल स्पीचेस होते हैं उनका कुछ काम नहीं, ऐसे चूना लगा के चले जाते हैं ये लोग। मोटिवेशनल स्पीच सुनना मतलब कर्तृत्व बुद्धि को पुष्ट कराना, मोटिवेशनल स्पीच तो ये है भैया योग्यता से होता है, इसमें क्या मोटिवेशन हो गया। अरे मोटिवेशन मतलब तू क्या समझता है, जबरन कुछ भी कर सकेगा क्या। मेरी लड़की ने बहुत अच्छी पोएम लिखी, वो लिखती रहती है, कुछ भी लिखती है तो मुझे चेक कराती है लाकर कभी, तो उसने अच्छी पोएम लिखी जिसका इसेंस ये था, इंग्लिश में लिखी, इसेंस ये था उसका कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक हद साल हो गया, 10-12 लाइन की पोएम लिखी, उसको देखकर किसी को भी वीर रस जागृत हो सकता है,
जो भी हिम्मत हारा हो, लड़ाई हारा हो, उसको वीर रस से एक महाराणा प्रताप को एक साधारण आदमी ने जेल से चिट्ठी लिखकर उसको रेडी किया था। और फंड फिर ट्रेजरी फिर कैशियर तो अपने भामा शाह बने थे। कैशियर कौन बने थे? भामा शाह स्पॉन्सर। लेकिन जो मोटिवेशनल स्पीच मिला था, वो मोटिवेशनल स्पीच एक चिट्ठी के रूप में जेल से आया था उनके पास। अपने पढ़ाई थोड़ा महाराणा प्रताप को इतनी चिट्ठी लिखी थी उसने जेल में। मैंने सुना है जो तलवारें आज तक दूसरों की छातियों पर चलती है वो अभी नपुंसक बन गई है, म्यान में हमेशा हमेशा के लिए सो गई है। मैंने तो टोन बताई, ऐसी चिट्ठी लिखी थी। अब उनके वीर रस खोल उठा पर सामग्री जुट गई हमेशा के जरिए। अगेन अलोन मैन फिर चढ़ाई करके अकबर को परास्त किया। खैर मुझे तो ये कहना है, फिर आई पोएम मेरे पास, मैं तो ये कह रहा हूं कि रस हमारा ढीला होना चाहिए पर क्या कर सकता है। ये पर से अपनी सत्ता मानना, उससे अच्छा बुरा मानना, ये अष्टावक्र की परंपरा वाले है ना? क्या कौन सी परंपरा वाले है ये? एकादा ऐसी भी मुनि का फोटो होना चाहिए अपने यहां। मैं हमेशा इसलिए भी कहता हूं, ये जो हम गोरे चिकने चुपड़े ये मुनियों की फोटो बनाते हैं, स्टैचू बनाते हैं, कोई मेरे कहने से तो कोई चेंज नहीं होगा रूटीन ना, चेंज करो आप, मेरा ऐसे कोई आग्रह भी नहीं है। लेकिन आपको पक्का अप्रैल फूल होगा जब आप जाएंगे जंगल देखेंगे, टटोलेंगे, आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इतने काले कलूटे मिलेंगे आपको मुनि, बहुत दूसरी चुहे वाले। अरे जीवन में कभी स्नान करते हैं क्या? कैसे इमेजिन किया? 10-5 होते होंगे कामदेव वामदेव, ऐसे कोई थोड़ी ना सब ऐसे हैंडसम वाले होते हैं। कामदेव कितने लिमिटेड पक्ष है वो। पद्म प्रभा बोलो, पद्म प्रभा मलधारी देव, इसीलिए कहते हैं उनको मलधारी देव। समझते हैं मलधारी मतलब जिनके पसीना तो निरंतर आता है, मन चिपटता रहता है जीवन में, एक बार भी फ्रेश, जिसको लोक में कहते हैं फ्रेश होना, ऐसे तो कुछ भी नहीं है जीवन में, एक हाथ बार वंस कैसे ऐसे दिखेंगे तुमको? तो आप भ्रम मत पालो, भ्रम नहीं पालना कि तेज होता है ऐसा होता है वैसा होता है मुनियों के। अरे कोड़ी भी होते हैं सनत कुमार जैसे। तुम भ्रम मत पालो, भ्रम से बाहर निकलो। हमको जैसा अच्छा लगता है वैसी ब्यूटी यहां पर अपन डाल देते हैं। ठीक है, मैं कहां पर खड़ा था वैसे? एक बात को पूरी करना है। कौन सी पोएम? वो पोएम लिखकर लाई मेरे पास, उसमें पूरी ये टोन थी कि सब चीज हमारे हाथ में बस में है, आ गया। तो फिर मैंने दो लाइन्स उसमें, मैंने कहा गिव मी द पेंसिल, मैंने दो लाइन्स उसमें बढ़ाई आगे। उसमें लिखा था हमारे ये देखते हैं हमारी इच्छाएं कैसे पूरी नहीं होती, इस टोन में वो पूरी पोएम थी। मैंने अंत किया उसका, मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा है। इतना जरूर ध्यान रखे, इंग्लिश में बोलना चाहो तो इंग्लिश में बोलू, बट लेट आवर विशेस ऑलवेज बी विद इन द लिमिट्स, बिकॉज डिस्पेयर एंड एगोनी कम्स टू दोज हु क्रॉस देयर लिमिट्स। इतना रूल हमको समझना चाहिए। मैं हिंदी में आगे, हम क्या है, और एक गीत आता था कुछ, हम चाहे तो हमारी चाह को पंख नहीं, ऐसा कुछ गीत चलता था, एक सीरियल चलती थी बहुत साल पहले, तो तब की बात है जब मैं टीवी देखता था। हम चाहे तो हम हमारी इच्छाओं को पंख दे सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे पोएम थी। लेकिन मैंने लिखा अंत में, इच्छाओं को हम दम भर के हम हमारे कार्य की सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन हम इतनी आकर जरूर रखें कि हमको कितनी इच्छाएं करना है, हम इच्छाएं मर्यादा में ही रखे, क्योंकि महादुख उन्हीं को भोगना पड़ता है जो अमर्यादा इच्छा करते हैं। मांगो जो मांगना है, माथा ठिकाने रखकर मांगना, औकात देखकर। सब बहुत जन प्रश्न पूछते ना ऐसा, सब किमिक चिंता में कोई हो मुझे राज्य दे दो, कोई ऐसा मांग, कितने अटपटे प्रश्न पूछते लोग, तुम्हारे शरीर के थोड़ी है सब वहां पर है, पर राज्य दे दो वो तो देने को ही बैठा है, तेरी है क्या? वो तो देने को ही बैठा है, वो तो छोड़ के जाने को बैठा है। सब मांगे तो नहीं ना मांगते हुए उतनी अकल तो लगाते हैं।
हम कितनी इच्छा हो तो सब हमारे अधीन हो, ऐसा होने पर भी हम इच्छाएं इच्छाओं को करते समय, आशाओं को करते समय बराबर दिमाग रखकर करें, ठोकर न लग जाए। जितना परिद्रव में एकत्व है उसके अच्छे में एक प्रकार का मान होता है। मान ये जो शब्द है एक्चुअली, मान इज मेजरमेंट, समझे आप मेरी बात को, मान इज माप, माप तत्व सूत्र का शब्द मान, उन्मान, मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरिंग कुछ जो जैसा था उससे ज्यादा देखना, जो था उससे कम देखना, ये मान कसा है। जैसा आत्मा है अमूर्तिक अरूपी ज्ञान हुई वैसे देखना, ये मार दो धर्म, इससे हटकर इस परिधि से बाहर गया देन नो क्लेम। आज उछल रहा है, क्लेम नहीं है उसका, कल रोते नहीं आना हमारे पास, खूब उछलो। परिद्रव्य का स्वामी तो छूट जाए, प्रत्येक वस्तु अपने अपनी, कल जैसे कहा था अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा लिए में परिणमित होती है, कोई किसी को परिणमन नहीं कराता, परिणमन कराने का भाव मिथ्यात्व है। प्रत्येक द्रव्य का स्वस्वामित्व संबंध अपने ही साथ है, स्वामी के स्वामी बनकर बोले पुरानी भक्ति चलती थी, क्यों न्याय नीति बिगाड़ते हो, मालिक के मालिक बनकर क्यों न्याय नीति बिगाड़ते हो, प्रत्येक वस्तु ही मालिक है, ओनर, ओनर तो ओन अनंत गुणों को कब ओनर प्रत्येक द्रव्य है, वो स्वामी होते हुए तुम स्वामी के स्वामी बनकर न्याय नीति मत बिगाड़ो। लोक में होता है ना, हमारा नौकर हमारे सामने कुछ बोलेंगे तो तुम मालिक के मालिक तुम क्यों बन रहे, होता है ऐसा। आजकल चपरासी वकील बन रहे हैं, कंपाउंडरी डॉक्टर से ज्यादा बात कर रही है, ये मुनीम ही ज्यादा बोल रही है सेठ से, तो सेठ को कहना पड़ता है मालिक का मालिक मत बनो। तो ये मान कैसे को कहना पड़ेगा मालिक के मालिक मत बनो। उत्तम मार्ग धर्म हमारे जीवन में प्रकट हो। अविनाशी मैं आ